So all kind of exams like GPAT, NIPER, or other pharmacocompetitive exam like drug inspector is there, government pharmacist is there, then government lecturership exam is there, government analyst exam is there. So if you want to start, if you want to prepare for this kind of exam, so you should have proper planning for it, and you should know what is the background of this exam, what is the need of this exam, what is the actual benefit of this exam, what is the exam pattern, what was the cutoff of previous years. So that you can effectively plan your study, right? First year में हो या second year में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अभी से ही आपका planning करना पड़ेगा। अभी से ही आपको properly plan करना पड़ेगा, properly determine होना पड़ेगा। See, सबसे पहला होता है determination। So you, if you are determined कि आपको क्या करना है, आपको करना है या फिर नहीं करना है, ये एक तो सबसे पहली बात आपको decide करना पड़ेगा। एक तो अगर आपको GPAT करना है तो उसके पीछे आप धोखे पड़ना, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने मन में डिसाइड किया है कि जीपैट करना है तो उसके बाद कर गया, उसके बाद का भूल नहीं जाना है आपको, करना है मतलब उसके बाद का स्टेप्स आपको लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसाइड करके छोड़ दिया कि मुझे जीपैट करना है और डिसाइड किया है मैंने और उसके बाद मैं अभी नींद में मस्त करके डिसाइड करूंगा, अभी नींद में एग्जाम लूंगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है, प्रॉपर एफर्ट्स लेने पड़ते हैं आपको, प्रॉपर उसका हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा ही नहीं कोई जीपैट क्वालिफाई करता है या फिर जीपैट में रैंक लाता है। सी, आजकल क्वालिफाई करना भी इतना हार्ड नहीं है, इजी है। आजकल बहुत सारा टूल्स है अपने पास, ऑनलाइन एग्जाम का टूल्स है आपके पास, आपके पास जिसने एक्सपर्ट ने बनाए वाले नोट्स होते हैं, आपके पास बुक्स होते हैं जो बोरिस और ने लिखे है, तो आपके लिए उतना हार्ड नहीं है जीपैट क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करना ये एम नहीं होना चाहिए आपका, आपका एम होना चाहिए कि आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है। अच्छा, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही आपको प्रिपरेशन करना है तो आपके माइंड में एक ही चीज होना चाहिए कि मेरे को जीपैट में कम से कम बिलो 10 रैंक लाना है, तभी आप जीपैट में जाके आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकते हो। अगर आप इसे सिर्फ इतना ही एम रखेंगे कि सिर्फ मुझे क्वालिफाई करना है जीपैट, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी से अगर क्वालिफाई करना है सिर्फ इतना ही एम है आपका, यू कैन क्वालिफाई विद इन 6 मंथ, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, इजिली यू कैन क्वालिफाई इन द 6 मंथ, बट योर एम शुड नॉट बी सच अ स्मॉल, योर एम शुड बी अ बिग। सो व्हाट शुड बी योर एम? योर एम शुड बी I will qualify GPAT with very good rank and I will try to get all in the rank below 10, right? So that should be your aim. GPAT में आपका rank अच्छा है तो ही आपको बाहर कोई ना कोई पूछेगा, otherwise GPAT qualify करने के लिए कोई भी आके, बहुत जन qualify होते हैं GPAT, तो rank भी important है। यह decide करना पड़ेगा आपको कि नहीं, मुझे qualify तो करना है लेकिन rank भी अच्छे से ही। First year, second year में हो अभी, तो अभी से अगर आपका प्लान है जीपैट का तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। अभी से बहुत अच्छा आपका स्टडी हो सकता है, बहुत अच्छा आपका रैंक भी आ सकता है। बिफोर स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन आई वुड जस्ट लाइक टू से यू दैट इफ यू आर इन अ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी यू हैव टू डू विल रिजल्ट इन जीपैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू व्हाट एवर यू आर स्टडिंग, यू हैव टू स्टडी दैट बाय हार्ट। सो व्हाट एवर द सब्जेक्ट्स आर देयर इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, सो फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट ईयर यू हैव एनाटॉमी फिजियोलॉजी, you have biochemistry, you have microbiology, you have organic chemistry, you have research methodology. So all these subjects, whatever are there in the first year and second year, for example physical pharmacy is there in the second year, pharmaceutical engineering is there or indo operation is there in the first year itself. So anatomy, physiology, biochemistry, microbiology, physical pharmacy, pharmaceutical engineering, organic chemistry, all these subjects are nothing but the basic subjects. So they are the basic subjects. And third year and final year, they are based upon the first year, second year subjects. Okay, so whatever syllabus you have in the third year or final year, those syllabus is based upon your first year, second year syllabus itself. Okay, so if you take a pharmacology, जो third year में आता है, आपको pharmacology आता है, आपका जो भी applied subject third year में आता है, third year final year में, वो आपको first year में क्यों नहीं दिया PCI ने? इतना याद रखो कि PCI ने ये syllabus final year में क्यों दिया है pharmacology, first year में क्यों नहीं दिया है? PCI का कुछ दिमाग खराब है क्या? ऐसा नहीं होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली यहाँ से जंप करके थर्ड फ्लोर तक जाओगे, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं। तो आपको स्टेयर्स लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक पहला स्टेयर छोड़ के आप डायरेक्टली 15 स्टेयर के ऊपर जंप करोगे। पहली पायरी छोड़ता अपन डायरेक्ट 15व्या किंवा 20व्या पायरी में जात नाही, पहली पायरी चढावीच लागेल ना। तो फर्स्ट इयर सेकंड इयर आर दीज आर नथिंग बट द युअर फर्स्ट स्टेप, that is the first year, right? So it is it consists of basic syllabus only. जितने भी syllabus है आपके, तो
जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सिलेबस है आपका, दैट इज नथिंग बट द बेसिक सिलेबस एंड यू हैव टू डू इट वेरी वेल एंड दिस इज द बेसिस फॉर अप्लाइड सिलेबस राइट. सो नाउ आई विल शो यू द प्रेजेंटेशन, आई विल स्टार्ट. सो इतना याद रखो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको बाय हार्ट पढ़ना है, ठीक है. अभी से आपको एग्जाम के लिए मतलब जो भी आपका ये है क्या क्वेश्चन है, एमसीक्यू प्रैक्टिस है वगैरह, ये अभी से इतना नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आपका बेसिक क्लियर करो, आपका जो भी फंडामेंटल्स जो होता है वो क्लियर करो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अभी से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, यू शुड नो व्हाट इज मीन बाय यूरिन फॉर्मेशन, व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. अगर आपको फिजियोलॉजी यूरिन फॉर्मेशन का मालूम है, अगर हम आपको मालूम है कि व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, व्हाट इज एक्टिव सीक्रेशन, व्हाट इज एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट आयंस दैट आर रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द पीसीटी, व्हाट इज डीसीटी, व्हाट इज लूप ऑफ हेनले, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रोसीजर है, उसमें रीएब्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है, उसमें एक्टिव सीक्रेशन क्यों हो रहा है, कि उसका अगर ये फिजियोलॉजी आपको मालूम है तो आपको डायूरेटिक्स का चैप्टर जो है तो ड्रग एक्टिंग एज अ डायूरेटिक्स और दोज ड्रग विच विल इंक्रीज द यूरिन फ्लो यूरिन फॉर्मेशन, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली. डायूरेटिक अगर आपको ड्रग पढ़ना है तो आपको यूरिन फॉर्मेशन आना ही आना है, यूरिन फॉर्मेशन का फिजियोलॉजी मालूम होना चाहिए. अगर आपको फिजियोलॉजी मालूम है तो आपको इजिली मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है, उसका क्लास क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, ये सब समझ में आएगा इजिली. तो आपको बेसिक आना चाहिए, आपको बायोकेमिस्ट्री में आपको मालूम ही नहीं है बेसिक तो कैसे चलेगा. इफ यू डोंट नो द एंजाइम्स, व्हाट आर द डिफरेंट एंजाइम्स, व्हाट इज द इनिबिशन, एंजाइम इनिबिशन, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइम इनिबिशन, व्हाट इज एलोस्टेटिक इनिबिशन, व्हाट इज कॉम्पिटेटिव, व्हाट इज नॉट कॉम्पिटेटिव. सो इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर अबाउट यूर बेसिक्स. आपका बेसिक्स जितना क्लियर कर सकते हो उतना करो. मतलब जीपेट के लिए कुछ अलग नहीं करना है आपको. अभी क्या करना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कि जो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसका ही बाय हार्ट करो, उसको ही इनिशियली रेफरेंस बुक जो होते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, उस रेफरेंस बुक में से पढ़ लो उसको. ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट, ट्राई टू रीड फ्रॉम रेफरेंस बुक्स, ट्राई टू गेन द नॉलेज, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि सब टीचर के ऊपर ही छोड़ दो. टीचर को कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है. उनका काम है कि आना है आपको पढ़ाना है, तो जिनका सिलेबस जितना है उतना वो पढ़ाएंगे आपको. और प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ही बेकार हाल है. प्राइवेट कॉलेज में तो किसी को कुछ लेना है, वैसे तो कौन से भी कॉलेज में लेना देना नहीं. सो दे हैव ओनली कंसर्न विद देयर ट्यूशन फीस, देयर कॉलेज फीस एंड ऑल दैट. ये सब याद रखो कि अभी से अगर करना है आपको फार्मेसी में कुछ अच्छा करना है आगे जाके, अभी से प्रिपरेशन अच्छा करना है. अभी से जो पढ़ रहे हो उसको अच्छा पढ़ो. अभी से जो पढ़ रहे हो आप, तो ऐसा नहीं कि लोकल के बुक को उठा के ले लो, निरली प्रकाशन का या फिर कोई ठाकुर पब्लिकेशन का या फिर नोट्स है सीनियर ने दिए वही नोट्स पढ़ने का. वो भी पढ़ो, वो पढ़ना बुरी बात नहीं है, वो भी पढ़ो, लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत टाइम होता है, तो अभी एक काम करो आप, तो आप जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो सिलेबस है आपका उसके रेफरेंस बुक अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ढूंढ के लाओ लाइब्रेरी से और उसमें से पढ़ो. उसमें आपका क्या होगा कि नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा आपको फॉरेन लैंग्वेज लैंग्वेज कैसी होती है वो बुक की, क्योंकि इंडियन ऑथर का बुक का लैंग्वेज अलग होता है, फॉरेन ऑथर का बुक का लैंग्वेज अलग होता है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा उसमें. ये अगर आपको आदत पड़ गई कि रेफरेंस बुक पढ़ना है आपको, कि रेफरेंस बुक में से जो चार्ट्स है टेबल्स है उसको हाईलाइट करना है, उसका हाई करना है, तो आपको आगे जाके उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा. कि अगर अभी से अगर आप अपने रेफरेंस बुक में से ही स्टडी करना चालू किया है तो आगे जाके आपको बहुत सारा फायदा होगा उसका. अदरवाइज नहीं तो फिर वही होगा ना, तो रट लो बात. बात रट के कुछ फायदा नहीं होता, बात समझ के फायदा होता है. ये याद रखो कि बात कोई भी चीज है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको रट के कुछ फायदा नहीं होने वाला है. रट के मतलब यू आर बिकम अ पपेट. जितना बोला है उतना रटा है आपने, उतना ही बोलोगे आप. मतलब तोते जैसी हालत हो जाएगी आपकी अगर आपको रटना है तो. रटना नहीं है, समझ के समझना है पहले और फिर बाद में एक्सप्लेन करना है. हाँ, अगर आपको एक्सप्लेन करते समय आपका लैंग्वेज भी इतना अच्छा नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो, लैंग्वेज इज जस्ट अ बैरियर, लैंग्वेज इज जस्ट अ बैरियर, ठीक है. लैंग्वेज ज्यादा ये कुछ नहीं है. आप देखो फॉरेन वाले जो टूरिस्ट होते हैं उनसे आके आप उनसे बात कर लो कि वो ये नहीं देखेंगे इसको इंग्लिश आता है या नहीं आता. आप अपने अपने बॉडी लैंग्वेज से आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप हिंदी में भी बोलो उनको तो फिर भी उसमें उनको समझ में आता है कि लैंग्वेज इज जस्ट लैंग्वेज, जस्ट अ मीडियम. लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ.
तो आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज मैटर करता है कि आपके नॉलेज कितना है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप सिर्फ इतना याद रखो, जो भी आप कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोई सिंथेसिस कर रहे हो, नाइट्रोजन का जो रिएक्शन है वो कर रहे हो, सोडियम सॉरी सोडियम मेटल का जो रिएक्शन है वो कर रहे हो, तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्यों करते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन ट्राई टू गैदर इट सेल्फ। जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसी समय उसका सब कुछ नॉलेज आपको गैदर करना है। ठीक है, अगर कोई आप रीअरेंजमेंट रिएक्शन लगा रहे हो, ठीक है, आप लिखते हो ना जर्नल जर्नल में कि प्रिंसिपल क्या है उसका, उसका एम प्रिंसिपल, उसके बाद थियरी, तो वो एम प्रिंसिपल वो थियरी सिर्फ लिखने का है, इसलिए लिखने का नहीं, वो समझ के लिखने का है क्यों हो रहा है, कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है। तो उसमें आप लिखते हो ना स्ट्रक्चर, इनिशियल प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट, फाइनल प्रोडक्ट, उसका स्टेटमेंट लिखते हो, वहीं पे अगर स्टेटमेंट आपका क्लियर है, वहीं पे अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, तो वही क्वेश्चन में आपका जीपैट में आने वाला है। ठीक है, तो जहां पे जो कर रहे हो वो सीरियसली करो, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा अलग कुछ करने की जरूरत नहीं, उतना ही सीरियस करो। अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वही करना है आपको कि रेफरेंस बुक में से जितना हो सके उतना रेफरेंस बुक में से पढ़ लो, आदत डाल लो, और स्टडी करने की आदत डाल लो। मतलब ऐसा नहीं कि यार नहीं यार स्टडी करने में 6 घंटा 8 घंटा, नहीं, आपको जितना आपको जितने टाइम आपका माइंड फ्रेश रहता है कि आपको एक लगाव होना चाहिए, आपको एक प्यार होना चाहिए आपकी स्टडी से। अगर आपको बुक पढ़ने से प्यार है तो फिर आप कितना भी देर पढ़ सकते हो। आप देखो, आप मूवी देखने जाओगे तो उसका तो आपको बोरिंग नहीं होता, आपको उसका कंटाला नहीं आता, जब आप मूवी देखते हो या कोई गाना सुनते हो या फिर कोई इंटरनेट पे क्लिप देखते हो तो उसका बोर नहीं होता आपको। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आप दिल से चाहते हो उस चीज को, तो वैसे ही आपको दिल से चाहना है किसको, बुक्स को, जो भी रेफरेंस बुक है, कि आपको क्यूरियसिटी होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, अरे यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये अच्छा ये ऐसे हो रहा है, तो उसके पीछे क्या हो रहा है, उसके बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ मालूम होना चाहिए आपको। मतलब फिजियोलॉजी में, नर्वस सिस्टम में पूरा होना चाहिए कि यार माइलिन शीथ का रोल क्या है, और डीमाइलिनेशन होने के बाद क्या होता है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं ब्रेन में, कितने होते हैं सीएनएस सीएनएस, तो उनका रोल क्या है, उनको अगर उसकी एक्टिविटी बढ़ाएंगे आप, न्यूरो ट्रांसमीटर ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई एक बार, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है फार्माकोलॉजी का इजिली समझ में आएगा। सिर्फ ये याद रखो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप ज्यादा जीपैट के बारे में सोचना ही नहीं है, बस इतना याद रखो कि आपको करना है तो अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जितना भी सिलेबस है वो सब रेफरेंस बुक में से पढ़ लो, क्योंकि दैट इज द बेसिस फॉर अप्लाइड सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, सो इफ यू आर क्लियर योर बेसिक्स यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द अप्लाइड। नाउ वी विल सी द प्रेजेंटेशन अबाउट जीपैट, कैसे करना है, क्या करना है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट, अपकमिंग जीपैट्स, जीपैट 2022-23 या फिर 24-25, जो भी आप जिस भी ईयर में हो, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बहुत सारे बच्चों के सामने। एक हिंदी में बोल रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में 2-3 वीडियो है मेरे यूट्यूब पे ऊपर, तो एक हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा मैं। ठीक है, प्लीज ट्राई टू म्यूट योर माइक्स, सो इफ एनीबडी, जितने भी जिनके भी माइक्स ऑन है वो माइक्स ऑफ कीजिए प्लीज, जिनके भी माइक्स ऑन है वो माइक्स ऑफ कीजिए। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट, जीपैट 2022 और 2023 और 24-25। ओके, सो वेलकम एवरीबडी, सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ जीपैट, देन इट इज द लेक्चर और इट इज द वीडियो और दिस इज द सेशन फॉर यू। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर जीपैट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ जीपैट, कि जीपैट के पीछे बैकग्राउंड क्या है, कौन उसको कंडक्ट करता है, वो एग्जाम होता क्या है एक्चुअली। सो जीपैट इज नथिंग बट योर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड दिस एग्जाम इट इज कंडक्टेड एवरी ईयर। सो एक एग्जाम है, हर साल उसको एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ओके, सो जीपैट इज नथिंग बट द ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, इट इज कंडक्टेड एवरी ईयर। सो क्या है, कौन सा टेस्ट है ऐसा? सो जीपैट इज नथिंग बट टेस्ट टू इवेल्युएट हाउ मच यू आर ग्रेजुएट इन द फार्मेसी, टेस्ट टू इवेल्युएट योर ग्रेजुएशन इन द फार्मेसी, और इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कॉम्पिटेंसी इन द फार्मेसी। मतलब आप में जिस बीफॉर्म में जितने क्या झंडे गाड़े हैं, आपने बीफॉर्म में क्या किया है, उसका रिफ्लेक्शन है वो, कि आप बीफॉर्म में क्या पढ़े हो, कितना कितना आपने आपने कितना कितना घिसा है आप खुद को, अपने आपने आपको अपने कितना एग्जाम में, मतलब आपने अपने बीफॉर्म में कितना स्टडी किया है, अपने कितने झंडे गाड़े हैं बीफॉर्म में, उसका ये रिफ्लेक्शन है। वो जीपैट में जाके पता चलता है कि अगर जीपैट क्वालिफाई हो मतलब आपने कुछ ना कुछ स्टडी किया है, अगर जीपैट में रैंक अच्छा है मतलब आपने ठीक ठाक स्टडी किया है, जीपैट में बहुत ही अच्छा रैंक है मतलब आपने सीरियसली बीफॉर्म किया है।
So it is a reflection of your pharmacy. Like again, it is a gateway for masters and doctoral courses. अगर आपको M.Pharm करना है, आपको आपको PhD करना है, तो उसके लिए आपको GPAT देना पड़ेगा. अगर आप GPAT qualified हो, तो आपको masters free में हो जाएगा. ठीक है, अगर government में admission होता है तो. अगर आप GPAT qualified हो, तो आपको PhD के लिए अलग से exam नहीं देना पड़ेगा. इस exam के basis पे ही आप PhD कर सकते हो. ओके, तो ये कौन conduct करता है? So this GPAT was earlier conducted by Maharaja Sayajirao University Padda. Then later on it was shifted to AICT and now presently from last 3 years it is conducted by National Testing Agency. पहले बार क्या हुआ था, सबसे पहले GPAT जो आया था 2010 में, सबसे पहले वो गुजरात का एक यूनिवर्सिटी है, उसको बोलते हैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, वो कंडक्ट करता था GPAT एग्जाम. उसके बाद में AICT को शिफ्ट किया गया वो, तो AICT में 2-3 साल में AICT ने कंडक्ट किया. उसके बाद AICT से भी वो निकला गया, अभी वो कंडक्ट किया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में. ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो यू शुड बी अ बीफार्म स्टूडेंट, यू शुड बी आइदर इन अ थर्ड ईयर और फाइनल ईयर. सो ऑफिशियली यू शुड बी फोर्थ ईयर बीफार्म स्टूडेंट इफ यू वांट टू अटेंड द एग्जाम. ऑफिशियली आप बीफार्म फोर्थ ईयर में हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, बट थर्ड ईयर में हो फिर भी आप दे सकते हो अनऑफिशियली. ठीक है, अनऑफिशियली थर्ड ईयर में भी दे सकते हो. लेकिन यहाँ पे एक डाउट है कि अगर आपने थर्ड ईयर में क्वालिफाई किया GPAT, तो आपका M.Pharm को एडमिशन मिलेगा या नहीं? ये बहुत बार क्वेश्चन मेरे को पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन है. तो इसका आंसर ये है अभी से कि अगर आपने थर्ड ईयर में क्वालिफाई किया है और B.Pharm किया है थर्ड ईयर में क्वालिफाई GPAT और आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है, तो आप नहीं ले सकते. वैसे तो थियोरेटिकली जो है थर्ड ईयर के बच्चे क्वालिफाई किया थियोरेटिकली उसके उनके उनके स्कोर कार्ड के ऊपर 3 साल का वैलिडिटी आता है. ओके, बट एज यू हैव क्वालिफाइड इन थर्ड ईयर सो यू आर नॉट इलिजिबल टू अप्लाई फॉर मास्टर्स प्रैक्टिकली. थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली वी डोंट हैव एनी एग्जांपल. अपने पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं कि जिसने थर्ड ईयर में क्वालिफाई किया था और उसने थर्ड ईयर के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन लिया मास्टर्स में, तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते. तो अच्छा है ना, थर्ड ईयर में आप अगर क्वालिफाई कर सकते हो तो फाइनल ईयर में भी कर ही सकते हो. उसके बजाय थर्ड ईयर में क्वालिफाई किया तो फाइनल ईयर में उसका उससे ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा आपको. ठीक है, तो क्राइटेरिया वही होता है कि बीफार्म फोर्थ ईयर के स्टूडेंट और थर्ड ईयर के स्टूडेंट दे सकते हैं. तो नाउ उसका पैटर्न क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है उसके, उसका ये क्या है. नाउ विल सी द बेनिफिट्स ऑफ GPAT, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ GPAT. GPAT क्यों जरूरी है, उसका फायदा क्या होगा आपको. ठीक है, तो GPAT इज इम्पोर्टेंट फॉर योर मास्टर्स. ठीक है, अगर आपको M.Pharm करना है तो GPAT इम्पोर्टेंट है. अगर आपको MS करना है, MS मतलब मास्टर ऑफ साइंस, जो नाइपर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे IIT होता है इंजीनियरिंग के लिए, वैसे ही नाइपर्स होते हैं अपने फार्मेसी के लिए. तो IIT सबसे बेस्ट होता है इंजीनियरिंग में, आपको तो मालूम है. वैसे ही नाइपर जो है, नाइपर सबसे बेस्ट होता है फार्मेसी में. नाइपर के कुछ 10-12 कॉलेज है, 8-10 कॉलेज है. ठीक है, तो उसके लिए भी आपको पहले GPAT क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको नाइपर देना पड़ेगा. पहले GPAT क्वालिफाई करो, उसके बाद में आप नाइपर दे सकते हो. फिर नाइपर दे दो, उसमें अगर रैंक आए आपको तो नाइपर में एडमिशन मिल जाएगा. ठीक है, नाइपर में कोर्स कौन से होते हैं, MS होता है, M.Tech होता है, M.Pharm होता है, तीनों कोर्स होते हैं. MS मतलब मास्टर ऑफ साइंस, ये जो MS डिग्री है वो दैट इज रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड. कि बाहर जाओगे आप, बाहर कंट्रीज में जाओगे, वहाँ पे M.Pharm नाम का डिग्री है ही नहीं, वहाँ पे MS है. ठीक है, तो M.Tech भी ऑफर करता है नाइपर, उसके बाद में M.Pharm भी ऑफर करता है. लास्ट 2 साल से M.Pharm भी चल के है. ठीक है, अगर आपको PhD करना है, PhD के समय आपको फेलोशिप लेना है, आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना है, उसमें स्टाइपेंड लेना है, तो आपको GPAT क्वालिफाई करना ही पड़ेगा. ठीक है, अगेन आपको अगर कहीं भी जॉब करना है, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में, तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल इतना सैचुरेशन हो गया है फार्मेसी में कि बहुत सारा स्टूडेंट निकल रहा है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुले हैं. मतलब दुकान, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे मेला ही लगा है, फार्मेसी का मेला, चलो आओ फार्मेसी कर लो, तो ऐसा एजुकेशन मेला लग गया. तो बहुत सारे बच्चे फार्मेसी हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सैचुरेशन हो गया है, जॉब उतने नहीं, तो फिर क्या हो रहा है. ऑब्वियसली अगर आपके पास 100 एप्लीकेशन आएंगे, आपके पास 2 वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू स्क्रीन यू. कि उन्हें वो फिर बोलेंगे, ठीक है इसमें कितना M.Pharm है, उतना रुको बाकी निकल जाओ. ठीक है, M.Pharm में 10-12 बंदे रुके, वो बोलेंगे इसमें के GPAT क्वालिफाई कितने हैं, उसमें अगर 2-3 होंगे तो वो 3 रुकेंगे, बाकी को आगल देंगे, तो वो जो 3 है उनको ही लेंगे, ऐसा होता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए आपको GPAT इम्पोर्टेंट है. उसके बाद
सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जीपैट का, सबसे मेन बेनिफिट है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। यू विल गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 12.4 थाउजेंड पर मंथ इफ यू वांट, इफ यू आर इन अ मास्टर्स। क्या अगर जीपैट क्वालिफाई हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको 12,500 प्रति महीना स्टाइपेंड मिलेगा, 12,400 2 साल तक, 2 साल के आगे नहीं। अगर पीएचडी भी कर रहे हो तो 35,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा स्टाइपेंड, ठीक है। अगेन आप अगर जीपैट क्वालिफाई हो तो आपको इंडस्ट्री में प्रेफरेंस मिलेगा, एकेडमिक्स में भी प्रेफरेंस मिलेगा। अगेन जीपैट का प्रिपरेशन सिर्फ जीपैट के लिए नहीं होता, इतना याद रखो कि जीपैट का प्रिपरेशन मतलब सिर्फ जीपैट एग्जाम के लिए नहीं, जीपैट का प्रिपरेशन आपके नॉलेज के लिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका अगर नॉलेज मिलेगा तो आपको बाकी एग्जाम में भी काम आएगा। सो जीपैट प्रिपरेशन इज नॉट ओनली फॉर जीपैट, ठीक है। प्रिपरेशन जीपैट का आपको दूसरे एग्जाम में भी हेल्प करेगा, जैसे नाइपर एग्जाम होता है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर होता है, जैसे गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एंड अदर फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कि लाइफ में बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, जीपैट ही एक लास्ट एग्जाम नहीं। तो जीपैट का प्रिपरेशन अगर आपने सीरियसली किया है तो उसका हेल्प आपको बाकी में भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि आपने बीफॉर्म किया, बाद में आपको गवर्नमेंट में लगना है या फॉर्म किया गवर्नमेंट में, तो फिर से एग्जाम का तैयारी करने का जरूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना ही नहीं, करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऑलरेडी है, आपको मालूम है, तो आपको बहुत ही कम टाइम में आप पूरा के पूरा सिलेबस इजीली रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सीरियसली पढ़ा है पहले ही, ठीक है। अगर आपको पहले ही मालूम है तो बाद में सिर्फ ब्रशअप करने का टाइम रहता है। तो मतलब जीपैट का अगर सीरियसली प्रिपरेशन करेंगे तो बाकी एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगा। कौन से एग्जाम में? ये वाले एग्जाम में, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट लेक्चरशिप, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये सब एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी आपका हेल्प हो जाएगा। जीपैट ये नहीं कि सिर्फ जीपैट प्रिपरेशन जीपैट के लिए है, ऐसा बहुत सारे लोगों को ये ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जीपैट का प्रिपरेशन करेंगे तो सिर्फ जीपैट के लिए है, ऐसा नहीं। देखिए नेक्स्ट वन इज हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम कब होते हैं इसके और उसका पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो इसका जीपैट हर साल कंडक्ट किया जाता है, हर साल कंडक्ट होता है जीपैट बाई एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हर साल आपका जीपैट कंडक्ट करता है, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है? सो यूजुअली द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अनाउंस्ड इन नवंबर दिसंबर, हर साल के नवंबर या दिसंबर के मंथ में आपको एग्जाम का एप्लीकेशन मिलता है, आपको फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जनवरी में उसका एग्जाम होता है, एवरी ईयर जनवरी में एग्जाम होता है और अगले महीने में आपको रिजल्ट आपके हाथ में मिल जाता है। सो व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, पैटर्न क्या है एग्जाम का? सो इट इज ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, ये मतलब घर से नहीं दे सकते, आपको वहाँ पे सेंटर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो घर से आप कुछ भी बुक में से देख के कॉपी कर सकते हो, चीटिंग कर सकते हो, वैसा नहीं है, ये ऑनलाइन है, इसका मतलब घर से नहीं, ये पे एक सेंटर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम आप थ्री आवर्स का एग्जाम होगा, 125 एमसीक्यूज होंगे आपको, पूरे पेपर में आपको कितने होंगे, 125 एमसीक्यू, सो टोटल मार्क्स कितने हैं, 500 मार्क्स है, तो एक एमसीक्यू के लिए आपको 4 मार्क्स, ठीक है। तो वैसे 500 मार्क का पेपर है आपका, 3 घंटे का, 125 एमसीक्यूज आएंगे उसमें, ठीक है। अगर आपने एक करेक्ट आंसर दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका आंसर गलत हो गया तो -1, मतलब अगर आपने मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन सॉल्व किए आपने, एक करेक्ट आ गया आपका, एक गलत आ गया, तो आपको करेक्ट का कितना मिलेगा, 4, और गलत का कितना मिलेगा, -1, तो आपका टोटल मार्क हो गया 3, मतलब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने, एक सही है आपका, एक गलत है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सो देर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25%, सो -1 फॉर ईच करेक्ट आंसर, यू विल बी अवॉर्डेड विथ 4 मार्क्स, फॉर ईच नेगेटिव आंसर यू विल बी अवॉर्डेड विथ -1, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ कितना है लास्ट ईयर्स को, लास्ट फ्यू ईयर्स का, कि 2014-15 में कट ऑफ था 120 मार्क का, 2016-17 में कट ऑफ था 113-115 मार्क का, ठीक है, 2018-19 में कट ऑफ था 137-141 मार्क का, 137-141, और लास्ट ईयर लास्ट जीपैट 2020 में कट ऑफ था 163 मार्क्स का, और अभी जो लास्ट ईयर रिसेंटली जीपैट 21 भी हो चुका है उसमें 186 का कट ऑफ था। तो आप देखो कि हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है, 120, 140, 160, 180, ठीक है, कट ऑफ तो बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है कट ऑफ? क्योंकि जो बच्चों को मालूम हो रहा है कि जीपैट करना है, जीपैट के लिए कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसा करना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है आपको, तो ऑब्वियसली सब कुछ रेडीमेड है तो आपको इजी होगा पचने, कि आप गेहूं लाए तो गेहूं डायरेक्टली खाते हो, उसको उसको चक्की में जाके पीसते हो, पीसने के बाद उसकी रोटी बनाते हो, फिर खाते हो, तो पचने में इजी होता है।
तो वैसे ही क्या आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली मिल रहा है सबको, तो सभी पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली कट ऑफ ऊपर जाना है, ठीक है, कट ऑफ ऊपर जाने वाला ही है, तो किसको मालूम नेक्स्ट ईयर कितना होगा कट ऑफ, नेक्स्ट ईयर में भी 190 हो सकता है। तो आपको प्रॉपरली उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आपको ध्यान में रखना है कि कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है, आपको उसके लेवल का पढ़ना पड़ेगा, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ क्यों जानना जरूरी है, कट ऑफ जानना इसलिए जरूरी है कि ये आपको एक आइडिया देगा कि कितने एमसीक्यू सॉल्व करना है पेपर में, कितने नहीं करना है। सो दिस कट ऑफ मार्क्स विल गिव यू आइडिया अबाउट नंबर ऑफ एमसीक्यूज टू बी अटेम्प्टेड इन द एग्जाम। तो जनरली क्या होता है कि 40-50 एमसीक्यूज आपके करेक्ट है, 125 एमसीक्यूज में से 40-50 भी करेक्ट है, तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम अच्छे से रैंक से। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 40-50 क्वेश्चन करेक्ट है आपके और आपने पूरा के पूरा पेपर सॉल्व करके आया है उसमें से 40 करेक्ट है तो आप नहीं क्वालिफाई। अगर आपके 40-50 क्वेश्चन करेक्ट है और आपने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए, मतलब आपने कुछ 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आप वहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हो, वहाँ पर रैंक भी आएगा। सो योर 40-50 क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल क्वालिफाई यू प्रोवाइडेड दैट यू हैव अटेम्प्टेड लेस देन 65 एमसीक्यू। सो ये होता है कि एक पैटर्न आपको याद होना चाहिए कि कितने क्या है किस है। बाद में अपने नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड व्हाट इज द सिलेबस फॉर जीपैट। तो ये भी एक बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि यार मुझे स्टार्ट तो करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जीपैट करना, सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे करना है और मैं कुछ भी हो मुझे करना है। लेकिन ऐसा बात करने से नहीं होगा, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर करना है तो है लेकिन कहाँ से पढ़े, स्टार्ट कहाँ से करें, कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सिलेबस देखे या फिर स्टार्ट करे या क्या करे, मतलब स्टार्ट जीपैट तो करना है लेकिन कहाँ से करे वही समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए ये आंसर है, ठीक है। तो जीपैट का सिलेबस क्या है, सिलेबस इज नथिंग बट योर 4 ईयर सिलेबस, 4 ईयर सिलेबस ऑफ बीफॉर्म। जो भी आपका बीफॉर्म का सिलेबस है 4 साल का, वो पूरा के पूरा सिलेबस है किसमें, जीपैट में, ठीक है। तो जीपैट का सिलेबस एनटीए ने दिया है लेकिन दैट इज नथिंग बट आपका 4 साल का सिलेबस है वही सिलेबस, ठीक है। आइडियली आपको जीपैट के लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए, आइडियली यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन व्हेन यू आर इन अ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर डिस्टेंस, कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही आपको स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन ताकि आपका रैंक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आइडियली, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी थर्ड ईयर में है जो भी फाइनल ईयर में उनका क्या, नहीं वो भी कर सकते हैं अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छा स्टडी किया है तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी किया है तो अभी भी अगर उनको बैठने का मतलब उनको स्टडी करने का कैपेसिटी है तो अभी भी कर सकते हैं। आइडियली यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। सो व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट, व्हाट इज द सिलेबस फॉर यू। सो बीफॉर्म आपका जो बीफॉर्म है पूरा फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर जो 4 साल का पढ़ते हो, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो आप 4 साल में, वो उसको डिवाइड करते हैं हम, ओके, फॉर आवर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड वेल आई हैव डिवाइडेड योर बीफॉर्म सिलेबस इनटू 3 पार्ट्स, कि आपको पूरा बीफॉर्म का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, बेसिक सब्जेक्ट्स, अप्लाइड सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट, राइट, ठीक है। बेसिक में क्या आता है आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस जो भी है, फर्स्ट ईयर में क्या है सेकंड ईयर में क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, डिस्पेंसिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये सब फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर में है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिक सब्जेक्ट। तो अप्लाइड सब्जेक्ट क्या होते हैं जो थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में होते हैं, जैसे आपको फार्माकोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ये सब अप्लाइड है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट क्या होते हैं जो दोनों में है वो अदर, जैसे आपका फार्माकोग्नोसी हो गया, आपका ज्यूरिसप्रूडेंस हो गया, आपका बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, आपका फिजिकल फार्मेसी सॉरी फार्मेसी प्रैक्टिस हो गया, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, तो ये अदर सब्जेक्ट है, ये बेसिक में नहीं आता है ना फिर अप्लाइड में आता है। तो उसमें का बायोटेक जो है वो कभी कभी अप्लाइड में आ सकता है। तो ये हो गया आपका बीफॉर्म का सिलेबस डिवाइड किया है, ये डिफरेंट सिलेबस आपका जो बीफॉर्म का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बेसिक, अप्लाइड एंड अदर सब्जेक्ट, ठीक है। ये तीनों मैंने आपको बोला है, अभी आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है आपने बेसिक ये अप्लाइड ये अदर सब्जेक्ट ये तो आपने बोल दिया, सिलेबस भी क्या है वो भी बोल दिया, कब प्रिपरेशन करना है आइडियली वो भी बोल दिया, कहाँ से स्टार्ट करना है ये क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं मिला है, तो आपको ये इस स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है। सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक सब्जेक्ट इटसेल्फ, ये आपके जो बेसिक होते हैं वहां से वही से आपको प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक सब्जेक्ट, तो जितना हो सके ट्राई टू डिवाइस ऑल द बेसिक सब्जेक्ट इन द 3 और 4 मंथ, ये आपके लिए नहीं है थर्ड ईयर में और जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए, जो फाइनल ईयर में उसने उन्होंने क्या करना है बेसिक को
रिवाइज करना है 3 से 4 महीने में। तो आप अभी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको क्या करना है, जो आपको ऑलरेडी चल रहा है, जो पीछे हो चुका है उसको रिवाइज करो, जो आगे जो अभी चल रहा है उसको भी रिवाइज करो। तो बेसिक सब्जेक्ट में से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो जैसे मैंने बोला है आपको, फर्स्ट ईयर में क्या है आपको, एनाटॉम फिजियोलॉजी है, आपको माइक्रोबायोलॉजी है सेकंड ईयर में, आपको बायोकेमिस्ट्री है सेकंड ईयर में, आपको फिजिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सब बेसिक है आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आपको वही अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको अप्लाइड साथ ज्यादा समझ में आए। तो जो भी अप्लाइड होता है फार्माकोलॉजी का, मैंने आपको बोला है कि अगर आपको फार्माकोलॉजी का कौन सा भी चैप्टर समझना है तो उसके पीछे पहले बैकग्राउंड क्या है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होता है कि उसका फिजियोलॉजी होता है। कि अगर आपको एंटी हिस्टामिनिक का ड्रग पढ़ना है तो आपको उसका फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, कैसे एसिड कैसे बनता है पेट में, तो उसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं, हिस्टामाइन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, सोमाटोस्टैटिन होता है, प्रोटॉन पंप होता है, उसका क्या रोल है, कि स्टेप बाय स्टेप एसिड बनता है। ऐसा नहीं कि अचानक उठे आप सुबह मॉर्निंग में और आपके पेट में एसिड बन गया, ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप बनता है, ठीक है। तो उसके स्टेप्स कौन से है, फिजियोलॉजी क्या है, अगर ये मालूम होगा आपको तो आपको वो ड्रग के बारे में इजिली उसका मैकेनिज्म समझ में आएगा सब कुछ। क्योंकि ये एक्चुअली थर्ड ईयर फाइनल ईयर के पढ़ है, तो आपको लिए नहीं है। तो आपको अगर फिजियोलॉजी समझ में आता है तो आपको फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और फार्माकोलॉजी क्या है, मेजर सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें, किस चीप, ठीक है। अगेन वही ना कि अगर आपको फिजिकल फार्मेसी पूरा समझ में आया है, ठीक है, अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी पूरा समझ में आया है, तो आपको एंटीबायोटिक्स जो चैप्टर है, दैट इज वन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, सो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स और केमोथेरेपी इट इज नोन है। सो इफ यू अंडरस्टैंड माइक्रोबायोलॉजी वेल, आपको माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है आपने कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी कितनी क्लास होती है बैक्टीरिया की, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो उसके बाद बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल क्या होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, 0 फेज, मतलब जो लैग फेज होता है, लॉग फेज होता है, एक्सपोनेंशियल फेज होता है, डिक्लाइन फेज होता है, ये फेजेस क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक फेज में क्या होता है। उसके बाद बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैसे करता है, रेप्लीकेशन कैसे होता है बैक्टीरियल डीएनए का, बैक्टीरियल डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये स्टेप्स अगर आपको मालूम है तो ऑब्वियसली अगर आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो उसको आपको मारना है, ठीक है ना। मारना है तो आपको मालूम है बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको क्या करता है, तो आपको ये भी मालूम है कौन से एंजाइम्स है इसमें, इसमें मल्टीप्लीकेशन के लिए, रेप्लीकेशन के लिए कौन से एंजाइम लगते हैं, वो एंजाइम को ब्लॉक करो, कौन से ट्रांसक्रिप्शन ले लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक करो, प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक करो। तो मतलब अगर माइक्रोबायोलॉजी अच्छे समझ में आया आपको, तो आपको एंटीबैक्टीरियल चैप्टर इजिली समझ में आ सकता है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कीमोथेरेपी इफ यू अंडरस्टैंड माइक्रोबायोलॉजी वेल, ओके। इन द सिमिलर मैनर वैसे ही आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा आता है, कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब कुछ अच्छा आता है, अच्छा पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन से नंबरिंग, 6 नंबर कौन से होते हैं, 5 नंबर कौन से होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, 5 नंबर रिंग अगर है तो उसमें क्या बोलें, अगर ये आपको मालूम है तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री जो अप्लाइड सब्जेक्ट है जो थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में होता है, तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको, ईजी हो जाए वो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बेसिस फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री एनालिसिस। वही ना, आपको आपको मालूम होगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, आयनिक बॉन्ड का कितना स्ट्रेंथ होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का कितना है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, अगर ये मालूम है, उसका एनर्जी कितना होता है, ये मालूम है आपको, तो वही तो है सब कुछ एनालिसिस में, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड स्ट्रेचिंग, रैकिंग एक्सेट्रा, वही है। मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा आता है तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री अच्छा आएगा, एनालिसिस अच्छा आएगा। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी ये तीन अच्छे आते हैं तो आपको फार्माकोलॉजी ईजी होगा, ठीक है। अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग फिजिकल फार्मेसी अच्छा आता है तो आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी बायो फार्मास्यूटिक्स ये जो अप्लाइड है वो इजिली समझ में आएगा। जैसे आपको आपने फिजिकल फार्मेसी पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे आपका सरफेस टेंशन इंटरफेशियल फिनोमेना हो गया, या फिर आपका माइक्रोमेट्रिक्स, आपको रियोलॉजी हो गया, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको बायो फार्मास्यूटिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये है कि बेसिक अगर आपका अच्छा है तो आपको बाकी सब्जेक्ट का, अप्लाइड सब्जेक्ट का इजिली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रिपेयर करना है कि आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। एग्जाम में सेक्शन कितने होते हैं, 125 एमसीक्यू होते हैं, आपको ये तो मालूम है, 500 मार्क्स का पेपर होता है ये भी मालूम है, 3 आवर्स का पेपर होता है ये भी मालूम है, लेकिन किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। हर एक
सेक्शन होता है, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट तो नहीं देते क्योंकि हर एक सब्जेक्ट देंगे तो उनको 20-25 सेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा नहीं करते वो क्या करते, सोटिक सेक्शन अलग देते हैं, केमिस्ट्री अलग देते, कॉर्मोकोलॉजी अलग देते, कॉमर्स अलग देते एंड अदर सब्जेक्ट अलग देते। तो जीपैट के पेपर का आपको 5 सेक्शन होता है। सबसे पहला सेक्शन होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें से आते हैं आपको 38 MCQs, ठीक है। 38 MCQs केमिस्ट्री में से आएंगे। तो केमिस्ट्री कौन सा है आप बोलेंगे, सर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आता है सब कुछ आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री 1, 2, 3, एनालिसिस भी आता है उसमें, कभी कभी उसमें बायोकेमिस्ट्री भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट में लगे केमिस्ट्री होता है। तो उसमें से आएंगे आपको 38 क्वेश्चन जो होंगे 152 मार्क के लिए, 152 मार्क, 38 क्वेश्चन विल बी फॉर 152 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 1। सेक्शन 2 क्या है आपका, सुटिक्स का। सुटिक्स में से आएंगे आपको अगेन 38 MCQ, वो भी होंगे 152 मार्क के लिए, ठीक है। तो सुटिक्स मतलब क्या, सुटिक्स मतलब आपका पूरा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल फार्मेसी, देन डिस्पेंसिंग फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड बायो फार्मास्यूटिकल। सुटिक्स ये 5 सब्जेक्ट का बंच है, केमिस्ट्री भी ये 5 सब्जेक्ट का बंच है। अभी फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या है कि फार्माकोलॉजी में से आएंगे आपको 28 क्वेश्चन, वो होंगे 112 मार्क के लिए। तो फार्माकोलॉजी 1, 2, 3 जो है आपका, उसमें एनाटॉम फिजियोलॉजी भी आता है, उसमें कभी कभी पैथोलॉजी भी पूछ लेते हैं, कभी कभी उसमें बायोकेमिस्ट्री भी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं, अगर फार्माकोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री नहीं पूछा तो केमिस्ट्री में पूछते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पूछा तो फार्माकोलॉजी में पूछते हैं, ऐसा ये शिफ्टिंग होते रहते हैं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी में से कितने आता है, 28 क्वेश्चन। तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स में से 38, अगेन केमिस्ट्री में से 38, फार्माकोलॉजी में से 28, ठीक है। अगर फार्माकोग्नोसी एक आपका सब्जेक्ट है, ये उसका भी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं आप एज पर पीसीआई, तो दैट इज द सेम, ठीक है। उसमें से आएंगे आपको 10 क्वेश्चन, तो वो हो गए 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट जो बोला है मैंने, जैसे आपको जुरिस्प्रूडेंस हो गया, फार्मेसी प्रैक्टिस हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैनेजमेंट, ठीक है, जो है बाकी का क्वालिटी एश्योरेंस, बायोटेक, तो इसमें से आएंगे आपको 11 क्वेश्चन, वो होंगे 44 मार्क के लिए। अगर देख लो आप इसको मिलाएंगे आप सभी क्वेश्चन को, 38, 38, 28, 10, 11, ये होंगे 125, 125 होंगे, और ये मार्क्स मिलाएंगे तो वो होंगे 500। तो ये होता है सब्जेक्ट एंड देयर वेटेज, कि हर एक सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखना है आपको, कितने क्वेश्चन आते हैं जीपैट। ये टिप्स, स्पेशल टिप्स क्या है जीपैट के लिए, तो ये अभी तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी है पूरा ही ले लेता हूँ उसका, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हो, कि एग्जामिनर व्हाट एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू, कि उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है उस, ठीक है, क्वेश्चन तो है वहां पे पूछा है उसने, लेकिन उसका मतलब क्या है, कि ये पूरा क्वेश्चन समझना चाहिए आपको पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन में अगर कुछ वर्ड्स होंगे ऐसे लाइक नॉट, एक्सेप्ट, और क्योंकि ये वर्ड्स अगर होंगे क्वेश्चन में तो ये वर्ड्स आपका आंसर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो, उसको समझो पहले, उसके बाद में आंसर करो। यहाँ पे आपको 3 एम होना चाहिए, कि आप क्लियर होना चाहिए आप में, आपके मन में, कि आपको करना क्या है, कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, कि आप जीपैट के एग्जाम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है या फिर क्वालिफाई भी करना है, रैंक भी अच्छा चाहिए या फिर आपको बहुत अच्छा रैंक चाहिए, उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन सोल्व करना है उसका एक रैंडम, मतलब जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने 5 बार जीपैट दिया था, 5 बार क्वालिफाई किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक बनाया है। अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आप कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 50 या 60 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सिर्फ आपको अगर क्वालिफाई करना है तो क्या करना, पेपर में जाने का सबसे इजी इजी क्वेश्चन ढूंढने का, 50-60 क्वेश्चन पकड़ने का, उसको ही सोल्व करना है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। तो 50-60 क्वेश्चन अगर सॉल्व किया आपने, तो अगर उसमें के सब भी करेक्ट है तभी आप क्वालिफाई हो जाएगी, अगर 60 में से 50 भी करेक्ट है फिर भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, या 60 में से 45 भी करेक्ट है तो आप क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि 50-60 बोला है तो सिर्फ 50-60 करने का, सब करने का ऐसा नहीं, जिसमें आप श्योर हो 100% वैसे 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने का आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा मेरा स्टडी हो चुका है और मुझे रैंक भी चाहिए, तो आप 80 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हो, 80 आउट ऑफ 125, आउट ऑफ 125 यू कैन अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन को जाओ, उसमें से ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी, उसमें से जितना करेक्ट तो आ सके उतना अच्छा रखो उसमें। अगर 80 में से आपको 70 करेक्ट आता है तो रैंक भी अच्छा है,
अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा स्टडी, मैंने 3-4 साल से स्टडी किया है, 3-4 साल से स्टडी किया है मैंने, और मेरा मेरा बहुत ही अच्छा है स्टडी, और मैं तो टॉपर ही हूँ, टॉपर ही आने वाला, टॉप 25 रैंक में आने, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप सॉल्व कर सकते हो 90 से लेके 100 तक, या फिर 110 तक एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी 90% आपके आंसर करेक्ट होने चाहिए। ये होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये बात की बात है, अभी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, अभी इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो कि ये तो बात की बात है, जब आप एग्जाम देंगे तब की बात है, ये आपको एक मालूम होना चाहिए, इसलिए बोल। एंड वहाँ पे अभी अगर जो बच्चे सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, टॉपर नहीं है, तो उनको मैं ये और एक बात बोलते जाता हूँ हमेशा कि डू नॉट ट्राई टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कैलकुलेशन होता है बहुत सारा, तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व मत करो जिनको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिनका स्टडी नहीं है ऑलरेडी इतना अच्छा, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कि अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस है तो आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं सॉल्व, अगर प्रैक्टिस है तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि एनटीए जो है, एनटीए आपको एग्जाम में ना कैलकुलेटर देता है ना आपको लॉग टेबल देता है, अगर उसने लॉग टेबल दिया भी तो आप में से कितने लोग को लॉग टेबल यूज करना आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, तो फिर आपको लॉग टेबल यूज करना नहीं आता, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रैक्टिस नहीं है, तो 100% गलत हो जाएगा, सॉल्व ही मत करो। अगर आपको लास्ट टाइम में ही मतलब कुछ पढ़ा नहीं है आपने, कुछ किया नहीं है, आपको रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हो, किससे, ये मेरे बुक से, ये दोनों बुक से रिवाइज कर सकते हो, ये दोनों बुक मैंने लिखे हैं जीपैट के। दूसरा एक तरीका होता है कि एमसीक्यू कैसे पढ़े, तो एमसीक्यू कैसे पढ़े, तो उसका एक 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 एग्जाम्पल से मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए आप एक एमसीक्यू है और उसके नीचे उसके ऑप्शन है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको मालूम है ऑप्शन क्या है, लेकिन वहां पे रुको मत, आप क्या करो कि जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है ट्राई टू रिकॉल दैट, कि ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए के बारे में क्या क्या पता है आपको, तो सब कुछ रिकॉल करो, अगर नहीं पता तो पढ़ लो, बी के बारे में भी सेम, सी के बारे में सेम, ठीक है, क्योंकि आपको ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हुआ आप, तो आपको ये ज्यादा मायने नहीं रखता, या नहीं तो या फिर इसके ऊपर मैं आधा घंटा ले सकता हूँ एक एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है, अगर चाहो तो मैं आधा घंटा आपको एक ही एक्सप्लेन करूंगा एक एमसीक्यू, लेकिन आपको करके कुछ फायदा भी नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे क्या करना है कि एमसीक्यू पढ़ लो, उसके ऑप्शन पढ़ लो, करेक्ट आंसर क्या है वो मालूम है, उसके बाद में क्या छोड़ देना है उसको, नहीं मतलब स्टडी करते समय, एग्जाम में नहीं बोल रहा, आप स्टडी कर रहे हो तब आपको एग्जाम एग्जाम मतलब एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन स्टडी करने में रहता है टाइम, तो मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करते समय आपको पूरे के पूरे ऑप्शन जो है, ऑप्शन के बारे में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, ये भी कर सकते हो, वैसे जैसे मैंने बोला था आपको, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है आपका तो मेडिसिन केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इजी होते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा है ये पूछा है, किसका स्ट्रक्चर है, ऑप्शन भी दिया है, इजीली समझ में आता है आपको कि हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड अगर आपका अच्छा है तो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड जो रिंग है उसके ऊपर, ये कौन सा रिंग है, यह है इंडोल रिंग, तो इंडोल रिंग का किसमें है, INDOL, ओके, सो ये पिंडोल का स्ट्रक्चर है, ऐसे इजीली आपको आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट, मगर वही ना कि आपको अगर बेसिक अच्छा है तो आपको अप्लाइड में भी इजी होता है सब कुछ, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हो, आपको ये एमसीक्यूज के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये फाइनल के लिए, फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, अगर कोई फाइनल ईयर में है तो उनके लिए ये सब है, कि अगर किसी का स्टडी नहीं हुआ है, 5 सेक्शंस है आपके पेपर के, अगर किसी का टाइम नहीं है, किसी के पास स्टडी नहीं हुआ है, तो 5 में से कौन से सेक्शन कर सकते हो, कौन से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शन होते हैं, कि सूटिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों अगर भी आपका आपने अगर अच्छे से किए तो भी क्वालिफाई कर सकते हो, ये तीनों पहले तीन, केमिस्ट्री कोलॉजी सूटिक्स, अगर केमिस्ट्री अच्छा नहीं आता आपको तो छोड़ो उसको, ये केमिस्ट्री छोड़ के ये दोनों कर लो, तो कौन से भी 4 सेक्शन आपको करना है, बाकी ये 4 टेबल समरी डेफिनेशन फाउंड रेफरेंस बुक ये तो पढ़ना ही है जब लास्ट ईयर में, वैसे तो सभी अभी से ही आप पढ़ सकते हो, क्योंकि रेफरेंस बुक में से बोला है मैंने कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, सेकंड ईयर के बच्चे रेफरेंस बुक में से पढ़ो पहले, कि उसमें के 4 देखो जो रेफरेंस बुक होते हैं आपके उसमें का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, कि जो चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स जो
चार्ट्स दी हो रही, जहाँ पे कोई टेबल दिया है, चार्ट्स दिया है, या फिर कुछ बोर्ड में लिखा है, या समरी, देखो कुछ कुछ बुक्स में चैप्टर के बाद में एक समरी होता है, वो समरी इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो समरी से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो ये सब है इम्पोर्टेंट उसमें, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है ये। मतलब शॉर्ट टाइम में आपको कैसे पढ़ना है ये, लास्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। आप तो फर्स्ट ईयर में हो, आपको तो जो पहले बोला मैंने पहले प्रेजेंटेशन से पहले, तो वही आपको करना है, बाकी इतना नहीं। जीपैट के लिए बुक्स कितने हैं अभी, जीपैट के लिए बुक्स आपको अभी से ही इतना बुक्स के बारे में नहीं सोचना है जीपैट के, क्योंकि अभी इनिशियली आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रेफरेंस बुक में से पढ़ना है। फिर भी आपको अगर लगता है जीपैट का बुक्स लेना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप ये बुक्स ऑर्डर कर सकते हो मेरे से। फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट है, दोनों मैंने मैंने लिखे, और ये सिर्फ मेरे पास ही अवेलेबल है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल नहीं है, पहले थे अवेलेबल वहां से मैंने हटवा दिए, ये सिर्फ मेरे पास ही अवेलेबल है। ठीक है, तो डिफरेंट बुक्स कौन से, एक फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट जो मेरा है खुद का, क्रैकर अचीवर जो मेरा ही लिखा है खुद का, उसके बाद एक जीपैट कंपेनियन आता है नजमा इनाम तरगड़ों का, उसके बाद एक पियर्सन जीपैट गाइड आता है, पीयूष जीपैट गाइड आता है, और मोहम्मद अली का भी आता है। तो इसमें के अभी ये चार ही बुक, मतलब ये पियर्सन कंपेनियन और मेरा ये फंडामेंटल्स, ये तीन बुक जो है वो बहुत ही फेमस है और सबसे ज्यादा डिमांड में है ये फंडामेंटल्स ऑफ बुक्स। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए तो आपके पास तो मेरा नंबर है ही, अगर जिसके पास नहीं है तो लिख लो, या फिर आपका अगर कोई ग्रुप है तो उसमें आप मुझे भी ऐड कर सकते हो, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज वगैरह कुछ न्यूज होंगे, एमसीक्यूज होंगे डेली, या फिर कुछ सैम्पल नोट्स वगैरह ये सब रेफरेंस बुक जो रहते हैं, वैसे तो बुक शेयर करना अलाउ नहीं है, लेकिन जितना भी गूगल ड्राइव का लिंक होता है वो मेरे पास रहता है, वो अभी शेयर करते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये एक मेरा एप्लीकेशन है, फंडामेंटल फार्मेसी का एक नया एप्लीकेशन है 28 MB का, वो डाउनलोड कर लो, उसमें आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मैं अपडेट करने वाला हूँ। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मैं आशा करता हूँ आपको कि आपको जीपैट के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ गया है आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आप अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे।